इस बार फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट के कमर्शियल सेक्टर ने रेजिडेंशियल सेक्टर को पीछे छोड़ने का दावा किया है। इसके पहले जेएलएल की एक रिपोर्ट में भी इस साल कमर्शियल सेक्टर की मंदी के बावजूद जोरदार प्रदर्शन की बात कही गई। आखिर क्यों कमर्शियल सेक्टर में आ रही है तेजी, देखिए इस रिपोर्ट में। मंदी का माहौल चारों तरफ पसरा हुआ है, न घरों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक हो रही है, न गाड़ियों को खरीदार मिल रहे हैं। लेकिन इस मंदी के बीच भी कमर्शियल सेक्टर ने कमाल कर दिखाया है। इस साल की शुरुआत से अब तक तो कमर्शियल सेक्टर में बूम दिखाई दे ही रहा था, इस बार फेस्टिव सीजन में भी रेजिडेंशियल के मुकाबले कमर्शियल सेक्टर की बिक्री कहीं ज्यादा रही है। डिमांड जो आप देख रहे हैं इस बार तो 2018 ऑनवर्ड 2019 में उसकी अच्छी डिमांड हुई है, और ये आने वाला जो सेकेंड हाफ है इसमें भी उसकी अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। इस फेस्टिवल सीजन में हमने ये जज किया कि कॉमर्शियल की डिमांड रेजिडेंशियल के मुकाबले बहुत ज्यादा रही। फेस्टिव सीजन का पूरा ट्रेंड आने में तो अभी वक्त लग सकता है, लेकिन हाल ही में आई जेएलएल की रिपोर्ट में कमर्शियल सेक्टर में आए उछाल का विस्तार से जिक्र किया गया था। जेएलएल के मुताबिक इस साल जनवरी सितंबर के बीच देश भर में कमर्शियल सेक्टर की बिक्री 40% बढ़कर 33 मिलियन वर्ग फीट पर पहुंच गई, जबकि इसके पहले 2017 में साल भर में केवल 28.7 मिलियन वर्ग फीट की बिक्री हुई थी। 2018 में ये आंकड़ा 33.2 मिलियन वर्ग फीट था। यानी इस साल पहले 9 महीनों में ही कमर्शियल सेक्टर की बिक्री ने बीते 2 साल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी देखी है। जानकारों का मानना है कि ऑफिस स्पेस की मांग ने कमर्शियल सेक्टर को बढ़त दिलाने का काम बखूबी किया है। बिक्री के लिहाज से जिन टॉप 7 शहरों के आधार पर जेएलएल ने रिपोर्ट जारी की है उनमें हैदराबाद नंबर 1 रहा है, इसके बाद बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और फिर मुंबई का नंबर आता है। आदित्य किराना, आज तक।